अर्निंग कैसे करे, मतलब क्या करे, क्या वर्क फ्रॉम होम या फिर जैसे पार्ट टाइम टाइप या फिर ऐसी इनकम जो जनरेट हो सके अभी या जो भी है, तो कैसे करे। अब सबसे पहला तो ये है कि आप जैसे साइट्स देखते हो गूगल से साइट्स या फिर कई कई से आप साइट्स देखते हो, तो फ्रॉड भी होती है, कई साइट्स फ्रॉड होती हैं, बस पैसे ले लेती हैं और काम नहीं कराती हैं, जो कोई बैंक अकाउंट ले लेते हैं, हैक कर लेते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है यार, साइबर हैक्स होते रहते हैं। तो आप आसानी से इन सबको ट्रस्ट नहीं कर सकते। ऑनलाइन मार्केटिंग की अगर मैं बात करूँ तो आप इसको ट्रस्ट इतनी आसानी से आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, अनटिल एंड अनलेस वो अगर किसी हमको किसी ने वो सुझाई हो, जैसे कि किसी ने बोला हो कि यार ये साइट से मैंने बहुत अच्छे से पैसे कमाए हैं और आप भी कमाओ, अगर कोई आपका फ्रेंड या रिश्तेदार ये या आपको अगर सजेस्ट करते हैं, अनटिल एंड अनलेस अगर फ्रेंड्स या रिलेटिव्स आपको सजेस्ट करेंगे तो, या फिर जो पॉपुलर क्रिएटर्स हैं यूट्यूब से या वो अगर आपको सजेस्ट करते हैं तो आप सोच सकते हो उसके बारे में। बट अगर आपने वो अगर ऐसे YouTube से या फिर किसी Google साइट से कहीं से देख ली और उसमें अप्लाई कर दिया, पैसे भी उसमें जितने मांगे उतने आपने दे दिया, कंपनी फ्रॉड करके चली जाती है, आपको पता भी नहीं चलता कि आपके अकाउंट से इतने इतने पैसे गायब है। सो डोंट ट्रस्ट देम, मतलब ट्रस्ट लेकिन पूरा देख के ट्रस्ट कीजिए, एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए पैसे। सो ऑनलाइन अगर जॉब की मैं बात करूँ, ऑनलाइन की बात करूँ तो सबसे पहले नाम आता है एक ऐप का, मीशो। मीशो पे आप बना सकते हैं अकाउंट अपना, और उसके साथ साथ आप उस पर अकाउंट बना लीजिए। फ़ोन नंबर से आपको उससे वो करना पड़ता है, उसको साइन अप वगैरह करना पड़ता है, और मेरी रेफरल आईडी यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा उस पर 25% का फर्स्ट ऑर्डर पे। सो करिए मेरे रेफरल कोड यूज़ और उस पर डिस्काउंट भी पाइए, और आप उसको आगे रेफर करेंगे तो आपको भी उसके कमीशन मिलेगा और सामने वाले को भी। पहली बात तो ये हो गई इसकी, रेफर करके मतलब वो जितना कमा रहेगा उतना वो घर बैठे आपको 2% कमीशन उसका मिलता रहेगा, नो मैटर कि वो आप उस पर एक्टिव हो या ना हो, आपको कमीशन आपके अकाउंट में आता रहेगा। और ये मैंने खुद ने करके देखा हुआ है और इसमें कोई चांस नहीं है, इसमें होता ये है कि आपको रीसेल करने पड़ते हैं प्रोडक्ट्स, जैसे कि आपने वो फोटोज़ देखे मीशो पे से, आपने फ़ोटोज देखे जैसे अपन फ्लिपकार्ट या अमेजोन से साइट्स पे से देखते हैं ना, वैसे आपने फ़ोटोज़ देखे, क्लॉथ्स के देखे, एक्सेसरीज के देखे, बहुत सारी शॉपिंग की होती है, तो आपने किसी के देखे उस पर से फ़ोटोज़ और आपने बोला कि हाँ यार कि ये अच्छा है, तो आपने उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है शॉपिंग का कुछ करके, जैसे आपको उसमें ये फिर उस पर आपने शेयर कर दिए इतने सारे फ़ोटोज, बहुत सारे कर दिए, ज्वेलरी के कर दिए, ये वो कर दिए, तो जैसे आपने किए तो आपके ग्रुप में किसी न किसी को पसंद आएगा कि हाँ यार एक जन को, एक इंसान को, तो मतलब दो तीन लोगों को जिनको भी आएगा, तो वो आपको पूछेंगे कि यार कहाँ से करे, क्या करे, ऑर्डर कैसे करे, जो भी है कोई पसंद है हमारे लिए ऑर्डर कर लो, बस वो बोलेगी। आपने जो है ऑर्डर करना है वो चीज़ समझ लो 500 रुपये की चीज़ है, इसकी रियल प्राइस है 500, आप उसमें मन चाहा कमीशन ऐड कर सकते हो, मतलब आपको जितना कमीशन ऐड करना है आप कर सकते हो, उसमें 200 रुपये ऐड करने हैं, 50 रुपये ऐड करने हैं, 300 रुपये ऐड करने हैं, उसको 500 प्लस कितना भी करके आप कमीशन प्राइस लेके आप 700-800 तक 1000 तक बेच सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जैसा आप पहले ग्रुप बना रहे हो तो कमीशन कम से कम ही रखो, ताकि कस्टमर्स आपके ज़्यादा बने उस पर, है ना। और प्रोडक्ट जब आप देखते हो तो उसके रिव्यूज़ देख लीजिए, नीचे रिव्यूज़ आते हैं तो रिव्यूज़ देख लीजिए कि रिव्यूज़ अच्छे आए हैं या नहीं, अच्छे रिव्यूज़ आते हैं ना उन्हीं को आप शेयर कीजिए, क्योंकि अगर कस्टमर हैप्पी रहेंगे तो आपकी वो रिव्यू आपका भी अच्छा करेगी, आपके ग्रुप पे रिव्यू अच्छा करेगी, हाँ यार अच्छा अच्छा है आप भी ऑर्डर करो, लोगों को भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिलेगी, हाँ यार अच्छा है तो हम भी क्यों ना ऑर्डर करें। सो ये है मेन बात। और आपको कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, उसके लिए वीडियोज़ वहाँ पे आ जाती हैं मीशो, जैसे आप ओपन करते हो उस पर, तो जैसे आपने साइन अप वगैरह कर लेते हो वहाँ पे आता है कि कैसे करें, क्या करें उसके लिए, हाउ मीशो वर्क्स एंड ओके, सो ये सब आ जाता है उस पर।
तो सबसे पहले तो मीशो है, और आप इसका इंस्टा पेज बना सकते हो, आप इसका फेसबुक पेज बना सकते हो, आप इसका व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप बहुत जगह पे आप उसको आपका स्टोर बना सकते हो हर जगह। अब बात आती है, ये तो हो गई ऑनलाइन पार्ट टाइम की, और उसके बाद इससे सच में आप बहुत अच्छा कमीशन कमा सकते हो, और वो भी सीधे बैंक अकाउंट में आ जाता है अगर आपने बैंक अकाउंट रजिस्टर किया हो, 7 दिनों के अंदर आ जाता है। और हाँ, अगर आपको, और कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है, और अगर आपको आपके किसी कस्टमर को ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, उसको एक्सचेंज करना है या फिर उसको रिटर्न करना है, तो रिटर्न फैसिलिटी भी अवेलेबल है, 7 डेज तक अवेलेबल है, और उसकी जो मनी होता है, उसका जो पैसा रिटर्न का आता है, वो 7 दिनों में बोलते हैं कि आ जाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन में आ जाता है, वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। और इंडियन साइट है, इंडियन ऐप है, जाना माना ऐप है, और मिल जाते हैं पैसे, मैंने खुद करके देखा हुआ है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इस चीज़ में, और मैंने बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया है इससे, उसके साथ साथ। और ये लॉकडाउन में भी चलेगा, हमेशा चलता है, ऑनलाइन है, बस आपको क्लिक करके करना है, आपको कोई टेंशन ही नहीं है, ना आपको घर पे सामान लेके ला के रखना है, लोगों से आपको बातचीत करनी है, ना आपको वो बार्गेनिंग वगैरह करना है, बस प्राइस दे दी, बस बोल दिया, बस ऑर्डर कर दो, बस उसका एड्रेस, कस्टमर का एड्रेस ले लो, बस हो गया। सो ये सिंपल तरीका है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, आज ही कीजिए ऐप डाउनलोड, और मेरा रेफरल कोड यूज़ कीजिए। हाँ, तो मैं बात कर रही थी सेकंड, अब सेकंड ऑप्शन की, जो पार्ट टाइम आप कर सकते हो, जो लेडीज़ वगैरह हैं, तो आप ब्यूटी पार्लर, बहुत अच्छे से ब्यूटी पार्लर का मतलब एक ब्यूटी पार्लर अपना खोल सकते हो, उसमें इन्वेस्ट भी बहुत कम करना पड़ता है, इन्वेस्ट भी कम से कम करना पड़ता है। जैसे कि अभी मतलब बात करूँ तो मैं, जैसे कि अगर आपको नहीं भी आता है, और आपको अगर उसका वो है कि हाँ यार कैसा है क्या है, पता है आपको कैसा होता है, तो आप यूट्यूब पे पूरा कोर्स देख सकते हो, बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, तो फिर मैं उसके आपको बता सकती हूँ कि हाँ ये सब ट्यूटोरियल्स वगैरह देखो, कैसे आईब्रोज बना देते, थ्रेडिंग वैसे करते हैं, और फेशियल बहुत सिंपल है, कि कुछ नहीं करना है आपको, बस सिंपल है, वैक्सिंग कैसे कराते हैं, आप कुछ वीडियोस देखो, ट्यूटोरियल्स वगैरह, आप उसके कोर्सेस करो, 30 डेज 40 डेज ऐसे कोर्सेस अवेलेबल है यूट्यूब पे, फ्री में अवेलेबल है, आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना, देखो सीखो अप्लाई करो, जैसे आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करो, घर वालों पे प्रैक्टिस करो, मम्मी बहन जो भी हैं उन पर प्रैक्टिस करो, इस चीज़ की इन्वेस्टमेंट भी आपको ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आपको देखो थ्रेड लगेगा, थ्रेडिंग करनी है, तो थ्रेडिंग में भी आजकल आसानी से बहुत सारे, एक औरत से आप बहुत सारे पैसे ले सकते हो थ्रेडिंग के लिए, बस थ्रेडिंग के। और अगर 2-4 औरतें आ गई दिन में, लेडीज अगर आ गई आपके पास थ्रेडिंग, तो बस कोई टेंशन ही नहीं है आपको, बहुत है पार्ट टाइम के लिए, तो इतना बहुत है। और फेशियल की बात करें, तो फेशियल में भी कोई स्टेप्स वगैरह ज़्यादा वो नहीं होती है, बस आपको फेशियल किट लाना है, ज़्यादा महंगा नहीं आता, तो 1000 रुपये तक आएगा, हो गए। उसके बाद वैक्स, वैक्स का तो बोलो ही मत, वैक्स का सबसे 100-200 तक आएगा। और स्ट्रिप्स वगैरह, स्ट्रिप्स सही में बोलूँ ना, तो उसके जो स्ट्रिप्स आती हैं ना, वो आर्टिफिशियल स्ट्रिप्स, उससे अच्छी तो जीन्स की स्ट्रिप्स होती हैं, जो आपकी पुरानी जीन्स होती है ना, उसकी स्ट्रिप्स निकाल के उसको अप्लाई करो, उससे किया करो, वो बहुत अच्छा है, वो स्ट्रिप तो भी ख़राब हो जाती है जल्दी। ये ना जीन्स की रीयूजेबल है, मतलब अच्छी है, बहुत अच्छी है, और उससे अच्छी होती है, ये कड़क भी होती है जीन्स की स्ट्रिप्स, तो वो तो स्ट्रिप्स में आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हो गई 3 चीज़ें, हो गई मेन जो 3 चीज़ें हैं वो तो हो गई, जो फेशियल, वैक्स और थ्रेडिंग। अब रहा मेकअप, अब मेकअप के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लाने हैं, इसके लिए आप कोई अच्छी सी ब्यूटिशियन का रिव्यू देखिए, एक अच्छी सी ब्यूटिशियन के वीडियोस देखिए, वो आपको सजेस्ट करेगी कि ये लो वो लो। सेल्फ मेकअप के लिए जो चीज़ें लगती हैं ना, बस वही लगती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। फिट मी का फाउंडेशन, कंसीलर ले लो, उसके साथ साथ काजल, आई लाइनर, ब्लश, आई शेडोज, कुछ चीज़ें तो आपके पास पहले से अवेलेबल होगी, जैसे आई शेडोज हर इसमें अलग अलग नहीं लगते हैं, और एक्सपायर भी नहीं होते हैं जल्दी, तो आई शेडोज तो आप अपने भी यूज़ कर सकते हो, आपके पास हो गई बड़ा सा पैलेट तो पहले से।
काजल भी हो गई है, अच्छा खासा आईलाइनर भी हो गई, फाउंडेशन भी हो गई। अगर नहीं होगा तो फिट मी का अच्छा था कंपनी का फाउंडेशन ले लीजिए, बस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। और आईलैशेस ले लीजिए, कुछ कुछ चीज़ें बस आपको खरीदनी है, ज़्यादा कुछ आपको उतना ये नहीं करना है। और कुछ प्रोफेशनल वीडियोज़ देख लीजिए, किसी ब्यूटिशियंस के जो प्रोफेशनल ये काम बहुत अच्छे से करती है, वो क्या क्या आपको प्रोडक्ट सजेस्ट करती है, उसके हिसाब से देखिए। और अगर आप अभी मेकअप का अगर सीख भी रहे हैं, अभी अभी बस सीखते भी रहो, उसके बाद जैसे सीज़न आता है वेडिंग सीज़न, या अभी तो वेडिंग सीज़न ही चालू है, लेकिन जैसे कि कोई धीरे धीरे कीजिए मेकअप। अभी आपको अगर नहीं भी करना, आप सिंपल चीज़ें करके सिंपल मेकअप्स कर सकते हैं। ब्राइडल मेकअप्स अवॉइड कीजिए, ब्राइडल मेकअप्स में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जो आप नॉर्मल मेकअप करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये तो हो गई मेकअप की बात, और आपके पहले की तीनों थ्रेडिंग, वैक्सिंग और फेशियल की भी प्रॉब्लम सॉल्व। दरअसल आपको 2-3 हज़ार इन्वेस्टमेंट लगेगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपको इतनी भी चाहिए तो बस वैक्स फेशियल और यही कीजिए, या फिर थ्रेडिंग की से कर लीजिए, पहले पैसे कमा लीजिए, फिर उसके बाद उसको इन्वेस्ट कीजिए वैक्स के सामान, सॉरी इसके फेशियल के सामान में, वैक्स के सामान में, फिर उसको इन्वेस्ट कीजिए उन सब में। और मैं कह सकती हूँ गारंटी से कि आपके घर पे एक ना एक फेशियल किट, एक ना एक वैक्स किट, ये सब तो हो गई आपके घर पे, और एक वैक्स स्टीमर तो हो गई। तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी ही होंगी ही, मैं तो बोल रही हूँ कि होगी ही, तो आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले 2-3 कस्टमर्स जो आएंगे उनके लिए तो आप घर से ही फ्री में ही कर सकते हो, मतलब घर फ्री में नहीं, लेकिन आपके पास पहला खुद का सामान है उसी से कर सकते हो बस। और ये जो मैनीक्योर पेडिक्योर होता है ना, ये बस मैनीक्योर पेडिक्योर बताने के लिए होता है, कोई इतना करता नहीं है मैनीक्योर पेडिक्योर, बट धीरे धीरे आप लोग सीख जाएंगे, जैसे वीडियोस वगैरह देख देख के धीरे धीरे आप सीख जाना। उसके बाद वो भी सामान ला के रख देना मैनीक्योर पेडिक्योर का, कोई कराएगा तो करवा देना बस, बाकी कुछ नहीं। मेन चीज़ें तो ये होती है थ्रेडिंग, फेशियल और वैक्स, तीन चीज़ें, और मेकअप भी मेन होता है। बट अगर आपको ब्राइडल मेकअप नहीं करना है, नॉर्मल मेकअप में भी बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। लोग बोलते हैं कि ब्राइडल मेकअप करो उसमें ज़्यादा पैसा है, सिंपल मेकअप में भी पैसा है लेकिन ब्राइडल मेकअप में ज़्यादा है, लेकिन उतना ही ध्यान भी रखना है ब्राइडल मेकअप में, थोड़ी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ब्राइड है ना वो, उसमें थोड़ी सी भी गलती हुई तो रिस्क है। जैसे प्रैक्टिस आपकी होंगी वैसे ब्राइडल मेकअप कीजिए धीरे धीरे, जैसे नॉर्मल से करते करते धीरे धीरे ब्राइडल तक जाइए, ठीक है। अब ये मेरे जो एक ऑफलाइन बताया, एक ऑनलाइन बताया, दोनों एक साथ कर सकते हो आप, एक भी कर सकते हो, कोई वो नहीं है। और आप दोनों एक साथ कैसे कर सकते हो, जैसे आपके पास ब्यूटी पार्लर में लेडीज आएगी, उनको आपका नंबर दे देना, उनको ग्रुप में ऐड कर देना, बोलना कि इस ग्रुप में मैं ये सामान ये करती हूँ, या फिर उनके पहले 5 मिनट उनको बता देना कि ये सामान है, अगर आपको चाहिए होगा तो बता दो, ये सब तो इससे आप उनको भी ऐड कर सकते हो इसमें, तो हो गई ना एक जैसे दो निशाने। जैसे लेडीज़ भी आएगी, उनका नंबर कॉन्टैक्ट नंबर लेके उनको ऐड कर दो ग्रुप में, बस टेंशन ही नहीं है। फिर वो और आगे बोलेगी कि बताना आगे लेडीज़ वगैरह, अब बहुत से लोग कमेंट करेंगे या कुछ पूछेंगे कि ये सब तो बहुत सोने करके रखा है, ग्रुप्स वगैरह बना के रखे, सब ने करके रखा है, लेकिन सब ने फ़ोटोज़ तो अलग अलग डाले हैं ना, सब तो फ़ोटोज़ अलग अलग डालते हैं, सब सेम तो डालते नहीं हैं, है ना, तो हो जाता है धीरे धीरे, सबका हो जाता है धीरे, मतलब कि हाँ आपके पास, आप अगर सोच रहे हो कि यार हाँ